हेलो दोस्तों स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भावना स्दर्शन में तो ये जो गाउन मैंने अभी पहना हुआ है वो इंस्पायर्ड बाय है दीपिका पादुकोण ये गाउन इतना प्यारा लग रहा है बस मैं क्या बताऊं वीडियो में आप लोग देख ही सकते हैं बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी फिटिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है अब आप लोग क्या सोच रहे हैं इसकी कटिंग स्टिचिंग मुश्किल है जी नहीं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है तो दोस्तों मैं आप लोगों को ना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कटिंग की वीडियो शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूंगी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने एक ही वीडियो में मैंने कटिंग स्टिचिंग का वीडियो नहीं रखा तो आप लोगों को ना वेल्बेट चाहिए साढ़े मीटर ये गाउन बनाने के लिए आप अपना अगर फ्लोइंग बनाना चाहते तो पांच साढ़े मीटर भी कर सकते हैं और आप लोगों को कॉटन की लाइनिंग चाहिए अंदर अस्तर लगाने के लिए तो यहां पे सबसे पहले फोर फोल्ड कर लेंगे लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए मैंने यहां पे सिक्सटीन इंच लेंथ ली है फिफ्टीन इंच मुझे रेडी रखना है तो इंच आधा आधा इंच ना हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा तो एक निशान लगा के ना में जो भी बाकी का फैब्रिक है ना उसको हम निकाल लेंगे और सबसे पहले ना हम ना मार्किंग करेंगे लाइनिंग के ऊपर तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कीजिए मैंने थर्टी सिक्स में ड्रेस किया है। तो यहां पे देख सकते हैं एक स्क्वायर का शेप बना लेंगे राउंड का एक आर्म होल का कर्व दे तो आपका जो भी चेस्ट का फोर्थ पार्ट है उसके लिए आप लोग निशान लगा सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी बर्स्ट पॉइंट निकालने के लिए टेन पॉइंट फाइव इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे हमें फ्रंट से ना प्रिंसेस उ होते हैं बिल्कुल हमें वैसे स्टिच करना है इसको और इसको अब हम आर्म होल से इस तरीके से मिलाना बहुत ही आसान तरीका है ढाई इंच पे मैंने नीचे से प्लेट लगाया है और जिस तरीके से मैं यहाँ पे शेप दूंगी बिल्कुल आप लोगों को वैसे ही करना है बस आप जैसे मैंने किया है ना पॉइंट टू पॉइंट करते जाइए आप भी रेडी कर सकते हैं तो शोल्डर डाउन रखूंगी मैं यहाँ पे फोर इंच पे आप लोग कम या ज्यादा अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं नेक मैंने यहाँ पे पौने इंच पे मैंने मार्क किया है अभी तो हाल फिलहाल मैंने वी का शेप दे दिया बाद मैं मैं में मैं इसमें टैंक ट्यूब का शेप दूंगी आर्मोल से आगे एक इंच पे हम एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे और यहां पे मैं शेप देने के लिए मैंने अपने कब का कर यूज किया है हमारे गाउन वाले जो हमारे पैड होते हैं उनका तो इस तरीके से जो भी जिस तरीके से भी शेप आप लोगों को पसंद है वैसे ड्रॉ कर सकते हैं वी में स्ट्रेट में या टैंक ट्यूब में मैंने इस तरीके से शेप दिया और शेप देते देते मैंने बहुत ज़्यादा गहरा काट लिया था और यहाँ पे मैं अपना वेस्ट का फोर्थ पार्ट लूंगी वेस्ट में मेरा फोर्थ पार्ट है सेवन पॉइंट फाइव इंच उसमें मैं ऐड करूंगी ढाई इंच और प्लस हम डेढ़ इंच हमारा लूजिंग होगा तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लूंगी इसकी बस उम्मीद करूंगी आप लोगों को वीडियो पसंद आया और प्लीज दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को दिल से इतना सा भी पसंद आया ना तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह की वीडियो और भी शेयर कर सकूं तो यहां पे हम अपनी कटिंग कर लेंगे प्रिंसेस कट के लिए इस तरीके से जिससे मैं कर रही हूं एंड ये हमारा लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है अब हम सेम एज इट इज हम अपने मेन फैब्रिक यानी velvet के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे तो अगर आप लोग चाहो गाउन वाले पैड भी लगा सकते हैं वैसे मैंने ना बाद में मेरा मूड चेंज हुआ तो मैंने अपने जो ब्लाउज वाले पैड आते हैं मैंने वो यूज किए थे उसमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था तो इसको केयरफुल रख के यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे हम देखिए अगर आप लोग बिगनर्स है ना तो प्लीज पिन का यूज जरूर करना पिन से अच्छे तरीके से उसको पिन अप करने के बाद ही कटिंग करना क्योंकि इधर उधर फैब्रिक होता है ना प्रिंसेस कट में बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है और ये हमारा फैब्रिक पे भी कटिंग हो गया ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया अब हम क्या करेंगे मिडिल पार्ट जो है ना हमारा उसकी कटिंग करेंगे तो उसके लिए हम अपना फैब्रिक को फोर फोल्ड कर देंगे अगेन इसमें आप लोगों को तीन मेजरमेंट चाहिए वेस्ट का चाहिए आप लोगों को हिप का चाहिए और हमारी नी का चाहिए मैंने इसको नी तक बनाया मिडिल पार्ट में आप लोग चाहो इसको थाई तक भी बना सकते हैं बट मुझे नी तक रखना था तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है नी तक फिश टाइप का जो होता है ना लुक बहुत अच्छा तो ऊपर यहां पे मैं अपना एट इंच पे मार्क कर रही हूँ वेस्ट के लिए आधा इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा रही हूँ थोड़ा लूजिंग के लिए एंड इसके बाद मैं अपना हिप के लिए मेजर करूंगी हिप आप लोगों को वेस्ट से आठ इंच के बाद लेना है आठ इंच के बाद जितना आप लोगों का हिप आता है ना उसका फोर्थ पार्ट लेना है उसमें एक इंच आप लोगों को प्लस भी कर देना है तो यहाँ पे मैंने नी के लिए हाँ, मैंने सेवन इंच पे मार्क किया है और हिप के लिए मैं यहाँ पे टेन इंच पे मार्क कर दूंगी और अब हम एक शेप की मदद से इस तरीके से अपना शेप ड्रॉ कर लेंगे ये हमारा पूरा मिडिल वाला जो पार्ट है अच्छे तरीके से हमारी इसकी शेप ड्रॉ हो चुकी है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे लूजिंग मैंने यहां है और इसको हम सेम हमारी लाइनिंग पे भी हम इसको कट कर लेंगे देखिए वीडियो में ज्यादा फालतू की चीजें मुझे रखनी नहीं थी इसलिए मैंने जो जो चीजें मेन मेन चीजें वो रखी हैं इसमें अब हम क्या करेंगे नीचे वाला जो हमारा पार्ट है ना फ्लेयर वाला अब हम इसमें फोर फोल्ड रख लेंगे वेलवेट को और उसमें जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं ना लहंगे की वैसे कर लेंगे इस तरीके से जो हमारा मेजरमेंट है ना नी का हमें उसके हिसाब से इसको मेजर करके इसमें करना है लेंथ मैं यहां पे इसमें रखूंगी 27 सेवन इंच रेडी रहेगी मेरी 27 इंच तो यहाँ पे मैं 28.5 इंच पे मार्क कर लूंगी नीचे फोल्डिंग के लिए भी हमारा जाएगा और ऊपर में भी स्टिचिंग के लिए जाएगा अगर आप लोग चाहो ना तो और ज्यादा लेंथी भी ले सकते हैं मैंने बस इतना ही रखा नॉर्मल सा तो ये हमारा नीचे वाला लोअर पार्ट है ना वो हमारा रेडी हो चुका है अब इनकी जो हमारी दोनों पार्ट है इनको हमें लाइनिंग की भी इन पे कटिंग कर लेनी है सेम जैसे हमने वेल्वेट पे कटिंग की वैसे लाइनिंग पे भी कटिंग कर लेंगे